हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ बुल्टी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सैटरडे और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करूँ इवनिंग से। अभी बजे शाम के 4:30, मीन्स अभी तक शाम नहीं हुआ है बट 4:30 बजे है। और मैं यहाँ पे रेडी दिख रही हूँ आपको, बिकॉज मैं जो ग्रॉसरी शॉप सब लेने गई थी, ग्रॉसरी शॉप में गई थी, सब कुछ घर के जितने भी ग्रॉसरी सब ख़त्म हो गए थे, तो वही सब लेने गई थी। चावल, राइस, दाल और मसाला सब कुछ लेने गई थी, तो मैं अकेली गई थी। और मैंने सामने एक मॉल है, यहाँ से जस्ट मेरे घर से 15 मिनट का डिस्टेंस है, तो वहाँ पे ही मैं गई थी। तो वहाँ से मैंने सब ग्रॉसरी शॉप लेके जस्ट अभी आई हूँ, 4 बजे मीन्स अभी आई हूँ। जस्ट थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में आज बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई। तो अभी आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज मैं एक स्पेशल स्वीट डिश आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंगो बर्फी। तो वो स्वीट डिश आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का डिनर मैं बनाऊँगी रोटी और अंडा भुर्जी। कितने दिनों से मन कर रहा था अंडा भुर्जी खाने के लिए, और मिठुन का भी मन कर रहा था, तो मिठुन ने ही बोला कि अंडा भुर्जी प्लीज़ बनाओ, तो इसीलिए मेरा भी मन कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो इसलिए आज हम लोग अंडा भुर्जी बनाएंगे और उसके साथ पराठा बनाऊंगी। मीन्स रोटी या पराठा अभी तक फिक्स नहीं किया। आई थिंक मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, अंडा भुर्जी के साथ पराठा बहुत अच्छा लगता है, ट्रायंगल पराठा, तो वही शायद से आज मैं बनाऊँगी। ट्रायंगल पराठा माय फेवरेट। जब मैं छोटी थी, स्कूल में जाती थी, तब मम्मी टिफ़िन में ट्रायंगल पराठा ही एक्चुअली देती, या फिर जब भी जल्दी कभी लेट हो जाता था बनाने के लिए खाना, तो ट्रायंगल पराठा तुरंत बना के देती थी, और उसके साथ बटाटे की सब्जी, वाओ इट्स डिलीशियस, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड ऑफकोर्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी वो दम आलू रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज स्वीट डिश तो मैंने आपको बता ही दिया, मैंगो बर्फी और डिनर बनाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आप मेरी जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस मीन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे इस चैनल को, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा आज का ब्लॉग। मैंगो बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो क्यूब, इस तरह मैंने कट करके ले लिया है, और इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी, पल्प बना लूँगी। इसे एक थिक पल्प बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो धीरे धीरे मैं चेक करूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, मुझे क्योंकि थिक कंसिस्टेंसी चाहिए इसीलिए। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा नारियल ले लिया है, जो मैं इसे एक बिली की मदद से बीट कर लूँगी। बहुत ही जल्दी हो जाता है, मैं इससे ही करती हूँ ज़्यादातर। और यहाँ पे मेरे नारियल भी ग्रीट हो चुके, खिस गए हैं। और यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, शुगर, और यहाँ पे देखिए हमारा मैंगो पल्प भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने पैन गरम करने रख दिया था, स्लो फ्लेम में ही रखा है, और जो हमने मैंगो पल्प बनाया था वो डाल दिया है। और यहाँ पे चीनी, मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी लिए थे वो डाल दिया है। मैंने चीनी कम लिया है बिकॉज ऑलरेडी मैंगो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, तो इसीलिए चीनी मैंने कम लिया है। अगर आपका मैंगो आम, अगर आपका आम खट्टा हो तो आप चीनी ऑन मीन्स शुगर आप ज़्यादा ले सकते हो। और इसे इस तरह भी चलाते रहना है ताकि नीचे ना बैठ जाए, बीच बीच में चलाते रहना है, और मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाते रहना है और चलाते रहना है, और भी ज़्यादा थिक हमें करना है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है,
एक बड़े चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए। और इसे मीडियम फ्लेम में पकाऊंगी मैं और बीच बीच में चलाते रहूंगी ताकि पैन में नीचे ना बैठ जाए हमारा आम पत्ते जो है जूस, वो नीचे ना बैठ जाए। इसे हमें बहुत ही थिक जेली टाइप बनाना है। और देखिए बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है। तो अभी मैं इसमें जो हमने नारियल किसे हुए थे रखे थे वो इसमें डाल लूँगी और धीरे धीरे इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहो तो ड्राई कोकोनट भी ले सकते हो, जो मार्केट में ड्राई कोकोनट पाउडर मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी और अच्छा बनता है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम में ही कोकोने रखूँगी मैं और बीच बीच में चला लूँगी ताकि ये पूरा थिक हो जाए। और हमारा जो आम का जूस था वो पूरा सोख गया है, पूरा थिक हो गया है। और इसे और ज़्यादा थिक करना है, बिल्कुल पतला नहीं रखना है। तो इसे मैं अब हाई फ्लेम में 5 मिनट तक पकाऊंगी और इस तरह बीच बीच में चलाते रहूंगी ताकि नीचे ना बैठ जाए। देखिए बिल्कुल थिक हो चुकी है, अभी हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में ताकि इसे सेट कर ले। और यहाँ पे मैंने इस तरह के टिफिन में निकाला हुआ है, आप चाहे तो एक बड़े से प्लेट में भी निकाल सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसे मैंने चिल करने रख दिया था बिल्कुल 1 घंटे तक और यहाँ पे बिल्कुल चिल हो चुका है, ये सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया है देखिए, और ये बिल्कुल केक की शेप में दिख रहा है। एक्चुअली बड़े प्लेट में ही निकालना चाहिए था मुझे भी, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आप बड़े प्लेट में निकालिए ताकि आपकी जो बर्फ़ी वो भी बिल्कुल पतली हो। मेरा बहुत ज़्यादा थिक और मोटा हो गया है, फिर भी खाना ही है इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैंने गार्निश किया है काजू बादाम पिस्ते के साथ। और यहाँ पे मैं कट कर लूँगी, देखिए बिल्कुल अच्छा बना है और बिल्कुल टेस्टी बना है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये हमारा मैंगो बर्फ़ी बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने भुर्जी बनाने के लिए तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैंने ऑनियन, टमाटो और ग्रीन चिली कट कर लिया है, कांदा, टमाटर और हरी मिर्च कट कर लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने पैन गरम करने रख दिया था, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे थोड़ा जीरा डाल दिया है मैंने। और उसके बाद मैंने जो ऑनियन कट किए थे वो डाल दिया है। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं, मीडियम फ्लेम में पका लूँगी। और ऑनियन जब तक हमारा फ्राई ना हो जाए तब तक इसे पका लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। और यहाँ पे मैं ग्रीन चिली भी ऐड कर दे रही हूँ। ऑनियन को मैं जस्ट 4 से 5 मिनट तक पकाऊँगी मीडियम फ्लेम में ताकि हल्का सा एक रंग चेंज हो जाए, गोल्डन कलर। और यहाँ पे हमारा ऑनियन बिल्कुल पक चुका है, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं इसमें टमाटो डाल दूँगी। टमाटो को अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम में इसे पकने रखूँगी ताकि अच्छे से टमाटर जो है वो गल जाए।
और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ बिकॉज़ सॉल्ट डाल टमेटो अच्छे से पक जाते हैं, सॉल्ट डालने के बाद अच्छे से गल जाते हैं जल्दी। और यहाँ पे मैं पकने रखूँगी टमेटो को, टमेटो जो है बहुत ही गल चुकी है, तो यहाँ पे मैं मसाला डाल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल देखिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल कुक हो चुका है, उसमें से तेल निकल रहा है। और यहाँ पे मैं अंडा मैंने ऑलरेडी फोड़ के रखा था तो वही डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, और भी स्लो फ्लेम में, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा और जल जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी। और ये हमारा बन गया है अंडा भुर्जी, एक भुर्जी बन चुका है, बिल्कुल टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना है। और अंडे का भुर्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैं फिर पराठा बना लूँगी, तो यहाँ पे मैंने आटा ऑलरेडी सान लिया था, तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, ट्रायंगल पराठा। ट्रायंगल पराठा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बचपन में जब भी मुझे कभी भी जल्दी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मम्मी बहुत ही जल्दी से ट्रायंगल पराठा ही जल्दी बना के दे देती थी, बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का डिनर भी रेडी हो गया है, पराठा और भुर्जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो चलिए बाय बाय।